नाइस वन दोस्तों, फेरी टेल का एपिसोड नंबर 17 आज हम देखने वाले हैं। एंड तक आप लोग बने रहना इस वीडियो में। शुरू करते हैं अभी तो। सो समीर, क्या करते हैं आप? बाबा की मुताबिक कि मैं टाइम वेस्ट करता हूँ। टाइम वेस्ट मगर खुद को आर्टिस्ट कहता हूँ। दुनिया की खूबसूरती अपने नजर से पेंट करता हूँ। ओह वाओ, दैट्स अमेजिंग। ओहो, अभी तो मैं जरा जल्दी में हूँ, फिर किसी दिन चक्कर लगाएंगे तो बैठ के आपका काम देखेंगे। डोंट वरी, अगर आप सबकी तरह इंटरेस्ट नहीं शो करेंगे, आई वोंट माइंड। इनको पूछ लेना था यार कि मैं एक पेंटर की तलाश में हूँ जो। ओह भाई, और खबरदार खबरदार जो आप मुझे डांटा, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। एक तो मुझसे मेरी आगू जान खो गई है, दो कप चाय के लिए गवा दिया मैंने अपनी आगू जान को। चलें, इसी बहाने आपको आपकी गलती का तो एहसास हुआ। जान से प्यारी आगू जान खो गई है, ऊपर से आप मुझे मेरी गलतियां याद दिला रहे। आगू जान को कुछ नहीं हुआ, वो घर पे है। क्या क्या कहा आपने? आगू जान अंदर? सच क्या? मैं लेकर आया था उन्हें। आपको आगू जान कहाँ मिली? सड़क के किनारे पे मिली थी, जैसे आप मिली थी। आपकी तरह ही बातें कर रही थी तो मैं झट से पहचान गया आपकी आगू जान। देखिए, अगर आप मुझे ताने दे रहे हैं ना तो बहुत बुरी बात है। हाँ, आप मेरी आगू जान को घर पर लेकर आए, उसके लिए आपका थैंक यू। मेरे घर पे सबका मूड तो ठीक है ना? गुस्से में तो नहीं है कोई? पहले मामला काफी संगीन था, बहुत अपसेट थे सब, लेकिन आप बेफिक्र हो जाएं, मैंने सब संभाल लिया। चाय मिले उनसे। पहली बार आपने कोई अच्छा काम किया है, मुझे अच्छे लगे आप। क्या बात है, फरजाद ने जो ड्रेस पहना है सेम कलर मैंने अपने शादी में पहना था। समझ गया तो क्या कहने वाला। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। इतनी गैर जिम्मेदारान हरकत के बावजूद भी जरा सी भी शर्मिंदगी नहीं तुम्हारे चेहरे। मैं वाकई शर्मिंदा हूँ पाशा साहब। अगर ये शर्मिंदगी अपने चेहरे पर ले आओ ना तो बड़ी खुशी होगी मुझे। ठीक है, अब ठीक हाल है। कब सीरियस होगे तुम जिंदगी में? मेरी नरमी को मेरी कमजोरी मत समझो। नरमी बस भी कर जाओ कमाल पाशा। इसको नरमी बोलते क्या? आप तो बीच में मत बोले। अब ये कसर रह गई थी कि बाहर से लोग आकर इसकी बदतमीजी की शिकायत करेंगे मुझसे। मैंने फैसला कर लिया है, आज से तुम्हारा चाय पीना बंद। ओ भाई, चाय पीना बंद, चाय पीना बंद। उम्मीद, ओ भाई चक्कर आ गया। उम्मीद, ओ गिर गई उम्मीद मेरी बच्ची। इधर इनका क्या चल रहा है भाई? तुम्हारी शादी में एक पागल लड़की से नहीं करा सकती, उन्होंने कहा था उसको नफ्सियाती डॉक्टर देखने आता है। मुझे तो उम्मीद ठीक ठाक लगती है, ऊपर से उम्मीद 2 करोड़ सोचे हमारे होंगे। 2 करोड़ में से वो 1.5 करोड़ तो खर्च कर चुकी होगी। लोगों को सुघड़ होना चाहिए और हया सुघड़ है। ये देखो कैसा लग रहा है? जहर लग रहा है। जहर लग। जहर लगे या शहर, शादी तो तुम्हारी हया से ही होगी। उम्मीद आगे खोलो, आगे जाने को देखे आखिर डरा डरा कर मेरी बच्ची को मारेगा ना। अरे आप तो कुछ भी कर रही है, वो जिंदा है। क्या शॉट लिया यार, वो शानदार शॉट है यार, नीचे कैमरा रख दिया होगा। अपने थंबनेल होना चाहिए तो आज का। ये शॉट भी देख कितना मस्त। सच में बेहोश हो गई, हॉस्पिटल ले जा रहे उसको। चाय के लिए बहुत सीरियस है वो यार। नो मी चाय। इधर मैं चाय के बारे में सोचते तो तुम चाय ले आती हो। चाय के लिए भाई साहब भूल गई हूँ मैं आगू जान की हम यहाँ कैसे आ गए। चक्कर आ रहे आगू जान, वो चक्कर आ रहा आगू जान। आशा साहब बाहर ही है ना? नाटक ही कर रही थी मतलब ये। वापस जा चुके हैं सब घर। शुक्र है बच गई। चोट लग सकती थी ना, गिरी थी बहुत। तुम ड्रामा कर रही थी ना? कैसा ड्रामा? यही बेहोशी का। हया तुम कितनी शक्की औरत हो, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहे, इतने चक्कर आ रहे हैं। यहाँ पर मेरी ईमानदारी करने आई हो या मुझे बातें सुनाने आई हो? अच्छा तो ठीक है, मैं चाय ले जाती हूँ वापस। खबरदार जो तुमने चाय का मजाक किया, अब तुम ये चाय लेके दिखाओ, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। समझ गई। अच्छा ना, सॉरी ना, मुझे सब कुछ समझ नहीं आया। तुम हंस रही हो?
तो तुमने सोचा कि तुम सबको परेशान करके बदला लोगी उम्मीद? नहीं हया, ये सब कुछ खुद ब खुद हो गया था। एक तो मेरा नन्ना सा छोटा मोटा सा दिल उस जंगेज खान के फातिहाना अंदाज और जहरीली मुस्कुराहट से जला बुना बैठा था, ऊपर से पांच साहब की आतिश पिचानी ने मुझे जलाकर कोयला कर। वैसे ये फरजाद जलती पर तेल की पूरी शीशी छिड़क कर गया, बल्कि उलट के गया। चाहे मैंने सब संभाल लिया, चाहे मेरे हमसे। तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अब फिर जाके लड़ेगी उससे। ये सब ना फरजाद की साजिश है, उसने जानबूझकर आगू जान को पहले किडनैप किया और फिर घर आके ड्रॉप। किडनैप? ये मन से ही कहानी बना लेती है। हया चलो मेरे साथ। ओ हेलो, तुम बोल रहे हो कि तुम पेशेंट हो, किसी ने पूछ लिया तो? आगू जान आपको थोड़ी देर के लिए यहाँ पर मेरी जगह लेटना होगा। ओ भाई ओ भाई, हेल्प करो ना भाई साहब। आगू जान को पेशेंट बना दिया, अब यहाँ दो लड़कियों के सामने इसकी इंसल्ट कर दी क्या? उसका ही कॉल होगा। कॉल ही नहीं उठा रहा है मेरी। मैं तो कहती हूँ ब्लॉक कर दो, जान छुटेगी। काट दिया। इस बार तो उसने मेरी कॉल ही काट दी है। यकीनन डर रहा होगा। उसका नाम फरजाद खान बहादुर है, डर ही ना जाए वो तुमसे। जी फरमाए। बात सुनो, मैंने क्या तुम्हारी भैंस बकरी या मुर्गी चुराई है? हाथ वाली कुर्सी पर हाथ डाला है? ये पर तुम्हारे घर वालों या तुम्हारी फांसी को तुम्हारी असलियत बताई नहीं ना, तो फिर क्यों हाथ धोकर बल्कि नहा धोकर मेरे पीछे पड़ गए हो? अभी एक मीटिंग में बैठा हुआ हूं। ये भरम ना किसी और को दिखाना, होगे तुम सीईओ अपने घर के? ओ भाई, अपने अब्बा की जाती कंपनी में सीईओ बनना ना कोई कमाल बात नहीं है। अगर जरा सी इंसानियत बची है ना तुम्हें, तो जो मेरे घर में रायता फैला कर गए हो ना, उसको आकर समेटो। भाई को फोन काटना ही पड़ा, जवाब क्या देगा? ये हाथों के भूत हम बातों से नहीं, लातों के भूत उम्मीद। इस दौर में प्रैक्टिकली लातें बरसाना पॉसिबल थोड़ी है, इसलिए हाथ ही रहे। सही है। उम्मीद तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप कैसा महसूस कर रही हैं? आप बहुत सर्दी लग रही है, जरा एसी तो बंद करना। मैं आपको अभी ठीक कर देती हूँ। ओ ये कुछ इंजेक्शन तो देगी। ओ भाई इंजेक्शन लगा रही है भाई। बस हो गया, हो गया। मुझे टीका क्यों लगा दिया? मैंने तो कहा था मुझे ऐसी को बंद करो। अरे आप कौन? पेशेंट कहाँ है? आ तो तुम्हें मरीज की पहचान नहीं, तुम्हें डॉक्टर बनाया किसने? हट जाओ। मैं डॉक्टर नहीं, मैं नर्स हूँ। ओ भाई इंजेक्शन लगाया ना, वो सिर्फ एनर्जी का था, उससे आपको कोई नुकसान नहीं बल्कि फायदा होगा, किसी को बताइएगा नहीं ना? तुम्हारी बातें मैं किसी को ना बताऊं और बाकी सबकी बातें तुम्हें बता दूं? जाओ यहां से। कल वो ही एसी तो बंद करती जा, बहुत सर्दी। कल वो आगू जान रॉक्स। मेरा दिल इतना घबरा रहा है, बार बार रोना आ रहा है। आपका कौन एडमिट है? मेरा बैंक अकाउंट। मलिद की अम्मी, उनकी तो सुई अटक गई है यहाँ पर, और उम्मीद वो तो अपने ऊपर पानी की तरह पैसा खर्च कर रही है, मुझे पैसों की हवा भी नहीं लगने दे रही। ये लेडीजों की आदत होती है ना, अपना रोना किसी के भी सामने रोने लग जाती है। ओ भाई ओ, पाशा साहब आ चुके हैं यहाँ। तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक बुके दिलवा दिए मैंने। जी पाशा साहब, वो मरीज पे ना इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। ओ भाई, मुझे ऑर्डर कर लिया, हम पिकनिक में नहीं आए हुए? मेरी जान मेरे साथ रहोगी ना, ऐश करोगी ऐश। मीनू मुझे ये बता, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? एक चैरिटी का इवेंट था और माँ का तो तुम्हें पता है वो भाई की शादी की तैयारियों में कितना मसरूफ है, तो उन्होंने मुझे अपनी जगह भेज दिया। तुम्हें क्या हुआ यार? शादी के बाद पे खांसी हो गई उसको। मेरी जिंदगी में जहर घोलकर खुद अपनी शादी को एंजॉय कर रहे हैं। तुम्हारे साथ किया क्या भाई ने आखिर? जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ ना, उनकी मेहरबानी है। तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो? अभी थोड़ी देर के लिए आगू जान को अपनी जगह लिटा कर आए। थोड़ी देर, इतनी देर होगी? चलो उठो, पता नहीं क्या कर रही होंगी वो। अब बहुत इरेस्पॉन्सिबल है भाई उम्मीद। आगू जान आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? आपको मैंने कहा था बेड पर रहिएगा जब तक मैं ना आ जाऊं। पाचा साहब बेड पे लेटे। आगू जान आपने अपनी जगह बेड पर किसी और को लिटा दिया। नाइस वन। ये कसर रह गई थी, अब तुम हॉस्पिटल में एडमिट होगी, घर आओ मैं तुमसे वहां बात करता हूँ। ओ, 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 सही है, अब सच में हो ये लगता है।
मैं डॉक्टर को बुला के लेके आता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, जैसे जिंदा हो जाए उसको घर लेकर आओ। डॉक्टर को बुलाओ। मैं कोई जरूरत नहीं है किसी को बुलाने की। उठो चलो घर चलो। उम्मीद सच में बेहोश हो गई है। उम्मीद रहने दो, सब नाटक है ये, बस कर दो बेहोशी का ड्रामा, एक्सपोज हो गया सारा। उठो चले आगे चलो आया मेरी बच्ची। फुल ड्रामे बाज लग गए। उम्मीद के कैरेक्टर यार सच में बहुत इरिटेटिंग है। ऐसा रियल लाइफ में तो सच में बहुत इरिटेट फील करूँ मैं तो। लीड कैरेक्टर है वो, लेकिन बहुत इरिटेटिंग है। मतलब लवेबल मेरे को लगता नहीं है उनका कैरेक्टर। सही बात है, उनसे प्यारा कैरेक्टर हया का है। और फरजाद भी सही है यार। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? अब ये बताएगी कुछ ज़्यादा लेट नहीं हो गया मीनू? आप मेरा वेट कर रहे थे भाई, वो असल में हॉस्पिटल में उम्मीद मिल गई। और आपकी उम्मीद साहब आप हॉस्पिटल में क्या कर रही थी? आपकी वजह से वो बेचारी हॉस्पिटल में आग में गई। मेरी वजह से? जी। अभी 4 घंटे पहले अपने घर में बिल्कुल ठीक ठाक। तो आप उससे मिलने चले गए और वो भी उसके घर? उसकी आगो जान मुझे बाहर मिल गई थी तो बस मैं घर ड्रॉप करने गया था। सर गुड। और वहाँ जाके क्या बोला आपने? मैंने क्या बोलना है, हाँ अभी कॉल आई थी, पता नहीं मुर्गी गोश्त गाड़ी की बातें कर रही थी। रायता गिर गया था। समझ ही नहीं आया इसका। अजीब तो वो कभी भी नहीं थी और अब तो गरीब भी नहीं रही। गरीब भी? अरे भाई बताओगी भी हुआ क्या है? आप एक काम करें ना, आप खुद ही पूछ लें उससे, नंबर तो है वैसे भी आपके पास। थोड़ा थोड़ा एहसास मीमी को भी होने लगा है दोनों का, कि दोनों लाइक करते एक दूसरे को। तुम एक काम करो ना, कुछ ऑर्डर कर दो, पिज्जा बर्गर और पास्ता मिलकर खाएंगे। क्यों भाई, तुम जो ये रोज ऑर्डर कर रही हो ना बाहर से, इसका महाना खर्चा 1-2 लाख तक पहुंच जाना है। अब मैं अमीर हो चुकी हूं, संभल कर बहन, कारून का खजाना एक दिन खत्म हो ही जाता है। होने ही वाला है बहुत जल्द, मुझे लग रहा है। लगते सिरा एक बार मेरा चाय का कैफे खुल जाने दे। कैसे दूध पत्ती बेच बेच कर ना अरबपति हो जाऊं। मुझे इस दुनिया का पैसे तो बचाओ पहले कैफे खोलने के। ये भी चली गई, वो यकीन ही नहीं करता मुझ पर। लेकिन एक बार मुझे अमीर हो गया, सारी दुनिया मेरे पीछे हो। बात सुने, आपने फिर पार्षद साहब को मेरी शिकायतें लगाई है ना, मैंने आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो ठीक ही तो कहा था, आप पे बाकी सख्ती की जरूरत है। आपकी इन शिकायतों की वजह से ना मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। जल्दी इनके घर भी आ गई रात में। आया आप वाकई हॉस्पिटल में थी? हाँ, आप तो ये सुनकर खुश हो रहे होंगे ना कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। आपको क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है उम्मीद, सारी जिंदगी में अपनी मीटिंग से 1 मिनट के लिए भी लेट नहीं हुआ। तुमसे मिलने के लिए मैं अपनी मीटिंग्स छोड़कर आता रहा, सारी जिंदगी मैंने किसी के बारे में इतना नहीं सोचा। तो मेरी रातें बेचैन गुजरती हैं। हाँ तो मैंने भी कभी किसी लड़के के लिए गिफ्ट नहीं लिया, पहली बार आपके लिए लिया। और आपने कभी सोचा है कि मैं बार बार इस घर में क्यों आती हूँ? भाई इतना फास्ट? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आपसे लड़ना। है? भाई ये सपना तो नहीं है? सपना ही लग रहा है मुझे। आपको तो मेरी शिकायतें लगाना आता है, मुझे डांटना आता है, मुझ पर गुस्सा करना आता है, मुझे मुझे बुरा भला कहना आता है। Need, why are you not understanding? I'm in love with you. सपना है भाई। सपना पक्का। पर है किसका? प्यार करने लगा मैं तुमसे। घर के दिन। उम्मीद का सपना है या फरजाद का? अभी तो फरजाद का हो सकता है क्योंकि फरजाद इज कंफर्म्ड। हाँ। वो उसकी तरफ से कंफर्म है इसलिए। उम्मीद फरजाद को उसकी बहन ने बोला भी ना कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है तुम्हारी वजह से। मैं एक ही को पसंद करती हूँ। भाई इस बात पे सपना खुल गया। मतलब इस बात पे मतलब पक्का पसंद है उसको। अरे भाई साहब। चलो भाई एपिसोड इधर ही एंड होता है। बहुत सपना अच्छा था, था वैसे। हाँ सपना अच्छा था फरजाद का, बट एंड अच्छा नहीं था। पर वो सपना देख के फरजाद डर सा गया, ये क्या हो रहा है मुझे, क्या हो रहा है। मगर मैं एक ही को पसंद करती हूँ, वो सही था एंड। एंड वाला जबरदस्त था उसका यार। चलो भाई, भाई देखते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। अभी तक तो अच्छा जा रहा है ड्रामा। उम्मीद आपको अच्छा लगा हमारा रिएक्शन। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। उम्मीद है उम्मीद है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।